में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ किसान लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गांव का प्रधानी का चुनाव चल रहा है ओमे जोन बा कौन उम्मीदवार यहाँ लोग के सबसे बढ़िया बा और कोना के जिताबे कोशिश करें। जी अपन पहले नाम बताई। कमल किशोर। अच्छा, प्रधानी का चुनाव जोर शोर से गांव में चल रहा बा। हाँ, एमे कितना उम्मीदवार बाना गांव में? कोई बहुत उम्मीदवार बा, 8-10 आदमी बा। अच्छा, एमे सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपके के लगाता? मंटू सिंह। मंटू सिंह के कहे आप पसंद करते नहीं? मंटू सिंह क्योंकि यहाँ पहले से भी काम किए हैं और जो है युवा उम्मीदवार, पहले से भी काम किए हैं और जो है यहाँ उनका कार्य भी अच्छा आदमी को दिख रहा है। अच्छा, इसलिए जो है हम लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें के मने जिताए जी, जिताए खातिर जी 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 प्रयास करते हैं। आप बताएं, अपन नाम बताएं। मंगल। जो कहनी है भैया, जो मंटू सिंह के बढ़िया उम्मीदवार बना कि आपके के और पसंद बा? बिल्कुल सबसे बढ़िया उम्मीदवार है, ऐसे के जुआ बाना। अच्छा, काम कैला के क्षमता इनकी नर बा। अच्छा, तो पहला बार प्रधानी लड़ता न? हाँ, पहले बार लड़ता। कौनी बेस पे इनके चुनता नहीं प्रधानी? जान के बढ़िया काम करे हैं। अच्छा, हर चीज के सुविधा दी है, इसे हम लोग को चुनने एक लड़का जुआ प्रत्याशी बाड़ा। लगभग 20 वर्षों से आप प्रधान 30 वर्ष देख रहे हैं, क्या प्रधान जो आज दिख रहे हैं मंटू सिंह का आप नाम ले रहे हैं उनसे अच्छे निकलेंगे कि वैसे ही मिल जाएंगे? नहीं, ये अच्छे निकलेंगे क्योंकि भाई इनके पास युवा सोच है। या पढ़े लिखे दिख रहे हैं कि वैसे पुराने जैसे लोग हैं? ना, ये पढ़े लिखे है, इसके पहले भी काम किए हैं पुराने। हाँ, पहले पढ़ाई लिखाई के बारे में बाबू से पूछते हैं। बताइए बाबू, अपना नाम बताओ पहले। अनिलेश कुमार। अच्छा, तो प्रधान का चुनाव चलाता जुआ तू बड़ा के चुनल चाहता रहो? हम लोग वही उसी को चुनेंगे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो युवा की सोच को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। हाँ, तो में के बा अभी तक कौन डिसाइड के लिए बड़ा? अभी तक मतलब जो भी उम्मीदवार है उसमें ज्योति सिंह जो है वो बहुत अच्छी है और उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। ज्योति सिंह मंटू सिंह की पत्नी? पत्नी। जी जी जी, आप भी उनको पसंद करते हैं जी। और जो सोचते हैं कि युवाओं के जो है सोच को जो है आगे ले जाएंगे जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा के महिला प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। जी, क्या की निवासी हूं जी, और थोड़ा अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं, पढ़ाई लिखाई के बारे में। बेटी से क्वालिफाई और एमएससी चल रहा है। जी, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए जो है प्रयासरत है, आप एक महिला उम्मीदवार हैं, किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? पूरे ग्राम सभा के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था 24 आवर्स, सभी पात्र लोगों को निःशुल्क वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। अधिक से अधिक मात्रा में आवास की व्यवस्था होगी जिसमें गांव के सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। किसी भी लड़की के शादी में मदद की व्यवस्था होगी जी। ये सब जो है आपके घोषणा पत्र में है जी, जी। और कुछ महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे अगर प्रधान यहाँ की चुनी जाती है तो? जो भी उन लोगों की आवश्यकताएं होंगी वो पूरी होंगी। क्या गांव की जो पेंशन की बात की है आपने, क्या पेंशन में निशुल्क होगा कि पैसा लिया जाएगा? निशुल्क होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जाए यहाँ के पुरुषे नहीं सब महिला भी कोरोना के लेकर सतर्क बानी, सब लोग मास्क लगा के बानी जी। अब बताई जो गांव का प्रधानी का चुनाव चल रहा बा एमे के पसंद करते नहीं, कौन उम्मीदवार आपके ज्यादा अच्छा लगा था? ज्योति सिंह पसंद पड़ता है, काम करती तो कुछ नहीं होते। तनी तेज आवाज में बोली। ज्योति सिंह। अच्छा, ज्योति सिंह मैंने उनके कर दी क्यों काम नहीं के तो उनके पसंद ज्यादा पढ़ ले है। काम करी हन उनके पढ़ाई लिखाई पर पसंद करता नहीं कि पहले कुछ सामाजिक कार्य कैले बनी कैले बड़ी तब तो नहीं पसंद करी।